लंबे समय के अंतराल के बाद पर्यटकों के लिए कांगड़ा जिला कला संग्रहालय के दरवाजे खुल गए हैं। जिला कला संग्रहालय के अंदर रखे हिमाचली संस्कृति व 19वीं शताब्दी की धरोहर को संजोकर रखा गया है। संग्रहालय प्रकाशन की माने तो सरकार द्वारा दिए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से निर्वहन किया जा रहा है। बताते चलें कि कला संग्रहालय में 19वीं शताब्दी की भागवत गीता, कांगड़ा युगल पारंपरिक वेशभूषा, तिब्बती युगल पारंपरिक वेशभूषा, गद्दी युगल पारंपरिक वेशभूषा व कांगड़ा जिला की पुरानी चित्रकारी भी स्थापित की गई है, जो कि वर्तमान समय में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये जून में खुल गए थे, 15 जून से म्यूजियम खोल दिए गए थे और पहले तो काफ़ी टूरिस्ट रहते थे, अब कोविड के बाद से जैसे ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो आ रहे हैं टूरिस्ट पर कम मात्रा में 20-25 के करीब आते हैं टूरिस्ट के लिए। ये 50 रुपीज़ है इंडियन के लिए और 150 फॉरनर के लिए। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने हिदायत दे दी हुई है कि बिना मास्क के कोई भी अंदर एंटर नहीं करेंगे और ग्रुप्स में नहीं जाएंगे, एक एक दो दो को हम भेज रहे हैं अंदर। इसमें जो मेन पेंटिंग्स हैं वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं और बाकी संग्रहालय में जितनी भी हिमाचल की संस्कृति है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब मैडम हमारा ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है इसका रेनोवेशन का, तो जितना भी हमारा मटेरियल होगा वो हमारी यही कोशिश है कि उसको हमने डिस्प्ले पे लेके आना है, क्योंकि अभी काफ़ी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी हमने डिस्प्ले पे नहीं रखे हुए हैं क्योंकि गैलरीज कम हैं और उसकी वजह से काम मतलब डिस्प्ले पे नहीं रख पाए हम ये चीज़ें। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरुपजीत निप्पी की रिपोर्ट।